Okay, students, hello. So welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. And we are going to discussing today, we are going to continue to discuss with the Mendelian disorders. Mendelian disorders mein hum kal ko sickle cell anemia ke baare mein baat kar rahe the. So let us see that sickle cell anemia ke andar humne kya dekha. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया था दैट सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ये ऑटोसोमल ट्रेट है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. मतलब मेल्स को भी 50% चांसेस है, फीमेल को भी 50% चांसेस है. It can be transmitted from the parents to their offspring when both the partners are carriers for the gene. Parents से offsprings को transfer हो सकती है ये disease जब both the parents क्या कर सकते हैं, carry कर रहे हैं इस disease को, तो दोनों में equal chances हैं of the disease transmission. The disease is controlled by a pair of allele that is HBA and HBS. HBA is the dominant allele and HBS is the recessive allele. So students, aap dekh sakte ho that this character is a homozygous dominant HBA and HBA. This is the normal one. This one is a heterozygous allele, that is HBA and HBS, that is a carrier and a sickle cell trait. Carrier and a sickle cell trait. The next is the homozygous recessive, that is HBS and HBS. This means that the organism is affected. So हमारे पास तीन केस हो सकते हैं. होमोजाइगस डोमिनेंट वो नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं है. हेटरोजाइगस डोमिनेंट ये कैरियर है और इसमें सिकल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन ये इफेक्टेड नहीं है. होमोजाइगस रिसेसिव आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर इफेक्टेड. मतलब अगर हमारे सारे सेल्स जो है, सारे सेल्स ही अगर हमारे सिकल शेप होंगे फिर हमारी डेथ हो जाएगी, फिर हम अफेक्टेड होंगे. लेकिन अगर 50% कैरियर में क्या होता है, 50% जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, 50% क्या होते हैं सिकल सेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाता है. ठीक है, इसमें किसी भी टाइप के ट्रेट नहीं, जो सिम्टम्स है डिसीज के नहीं शो होते हैं, सिर्फ जो ट्रेट है, कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होता है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड रीड अबाउट दिस दैट सिकल सेल एनीमिया की पैथोजेनिसिटी होती कैसे है, बेसिकली व्हाट हाउ दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड. सो लेट अस रीड. The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine. देखो ये हमारी ये जो क्या है, हमारी अमाइनो एसिड की चेन है. अमाइनो एसिड की चेन में ग्लूटामिक एसिड जो है सिक्स पोजिशन के ऊपर, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट द सिक्स पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन. ये हमारी हेमोग्लोबिन की बीटा चेन है. ठीक है, तो बीटा चेन हेमोग्लोबिन के ऊपर स्टूडेंट्स चार चेन्स होती हैं. हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ फोर चेन, अल्फा बीटा गामा एंड उसके अंदर जो बीटा चेन के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स की चेन है उसकी सिक्स पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन. दिस होल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin. Hemoglobin ki beta globin chain pe glutamic acid ka valine ke sath substitute ho jana kya cause kar deta hai, hame sickle cell anemia cause kar deta hai. This is due to single base substitution. Hame pata hai this is a single base. Single base kya ho raha hai, substitute ho raha hai. This is due to the single base substitution at the sixth codon of the beta globin gene from GAG to GUG, basically GAG to GUG. तो ये आपको याद रखना है. इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. this is a star question. This is really a star question. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये दोनों पॉइंट्स. ये दोनों पॉइंट्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, इसको कंसेप्चुअली देखना, this is really very important for you people to understand.
ओके स्टूडेंट्स, सो आगे चलते हैं. आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें क्या गिवन है, दिस इज द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन. द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ द आरबीसीज. क्या होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो लो ऑक्सीजन कंडीशन के अंदर क्या करता है ये नॉर्मल सेल, बाय कनकेव से अपनी शेप को सिकल सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है. पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है. बाय कनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the shape to change from biconcave disc to elongated sickle-like structure. And this thing is called, this disease is called sickle cell anemia. Students, the next disease है जो Mendelian disorders के अंदर वो है हमारी फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये एक बर्थ के टाइम पे ही बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं. यस Yes, basically this is the concept. Metabolism अगर हमारा proper नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा problem हो जाएगी. क्या problem हो जाएगी, हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. It is also autosomal. Autosomal मतलब boys and girls में equally होने वाली disease है, recessive है. अगर दोनों genes जो है defective होंगे तभी यह disease होगी. Trait. It is due to mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. देखो, phenylketonuria is the disease name, phenylketonuria. And ये होती क्यों है? क्योंकि gene जो कोड कर रहा है phenylalanine hydroxylase की hydroxylase को, वो gene क्या हो जाता है? Mutated हो जाता है. This enzyme converts an amino acid. हमारा ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है. अगर ये कन्वर्जन नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स, इफ दिस एंजाइम विल नॉट वर्क, इफ दिस एंजाइम विल नॉट वर्क, देन ग्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विल टेक प्लेस. देखो, नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है, जब हम प्रोटीन खाते हैं कोई भी, जब हमने दाल खाई, हमने प्रोटीन खाया कोई भी, तो फिनाइल एलेनिन जो है वो प्रोटीन फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके बाद फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो क्या करेगा, उसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा. देन उसको मेलानिन, प्रोटीन्स एंड डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. उसके बाद क्या होगा, दिस विल बी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट. ये जो प्रोटीन्स है हमारे ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट कॉज करते हैं. This will cause the growth and development. लेकिन phenyl ketonuric patients के अंदर क्या होता है, phenyl alanin जो है वो किसमें convert हो जाता है, phenyl pyruvic acid में, क्योंकि उनमें ये जो phenyl alanin hydroxylase वाला enzyme है ये काम नहीं कर रहा होता है. अभी यही phenyl pyruvic acid है ये हमें इतने ज्यादा defects देता है, इतने ज्यादा defects देता है कि organism अच्छे से जी भी नहीं पाता है, survive भी नहीं कर पाता है. देखो तो उसके क्या effects है. The affected individual lacks this enzyme. As a result, phenylalanin accumulates and converts into phenyl pyruvic acid and other derivatives. And other derivatives, जब हमारे cells and tissues के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा diseases cause कर देते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. Phenyl pyruvic acid and other derivatives accumulate in the brain, resulting in the mental retardation.
ये फिनाइल पाइरूविक एसिड है और उसके अदर डेरिवेटिव्स हैं जो वो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू कर जाते हैं। ब्रेन के अंदर जब एक्यूमुलेट होना शुरू कर गए तो हमारे ब्रेन के सेल्स को, नर्व सेल्स को, नर्व्स को, ब्रेन के स्टिमुलस को, एक्शन को, एंडोक्राइन मैकेनिज्म को, हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, बच्चा सोच समझ नहीं पाता है, उसका क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है। These are also excreted through urine because of poor absorption by kidney. Students, जो proteins है, proteins का last product क्या होता है? NH3, that is ammonia. Ammonia को urea के अंदर convert कर दिया जाता है by the ornithin cycle. But अगर phenyl pyruvic acid form हो रहा है, हमें पता चल गया कि ये जो बच्चा है हमारा वो mentally retarded है, तो हम doctor के पास जाएंगे, doctor को check करवाने जाएंगे, तो हम डॉक्टर हमें बोलेगा कि इसके टेस्ट करवाओ। टेस्ट में से यूरिन टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा एंड यूरिन में से फिनाइल पाइरूविक एसिड के ट्रेसेस मिलेंगे, जिससे पता चलेगा डॉक्टर को कि इस बच्चे को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है फिनाइल केटोन्यूरिया और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, फिजिकली रिटार्डेड है, बहुत सारे और भी डिफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। ये एक प्रोटीन है स्टूडेंट्स, देखो जो भी हम खा रहे हैं अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा या फिर किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जहर है एंड वो जहर अगर किसी भी बॉडी पार्ट में एक्यूमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, हमें नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग। चलो फिर आगे देखते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा, दिस इज द थैलेसीमिया। स्टूडेंट्स, थैलेसीमिया इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। पहले वाले जो हमने पढ़े थे कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफिलिया, दीज आर द सेक्स लिंक्ड डिजीज, वो भी रिसेसिव थे। बट जो हम सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू एंड थैलेसीमिया पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये भी रिसेसिव है लेकिन ऑटोसोमल लिंक्ड है। तो आपको देखना है कि कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, कौन कौन से ऑटोसोमल लिंक्ड है। It is an autosomal linked recessive blood disease. It is transmitted from unaffected carrier to the offspring. Carrier से offspring से होता है, ये क्या हो जाता है, mutation या deletion की वजह से होता है। इसके साथ क्या होता है thalassemia में basically students, it results in reduced synthesis of alpha or the beta globin chain of the hemoglobin. हमारे hemoglobin की जो chains है उसमें या अल्फा चेन नहीं बनेगी या बीटा चेन नहीं बनेगी और उसी से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है तो वो अनीमिया करेगा, अनीमिया है तो एनर्जी के डिसऑर्डर्स होंगे एंड दिस इज फर्दर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी ऑफ द आरबीसीज इज लेस एंड सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम कि जो हमारे RBCs are less in thalassemia, ठीक है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो RBCs बने हैं वो ही क्या है, वो खराब है, वो ऑक्सीजन कैरी करने के लायक नहीं है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। Let us go to the next slide. Based on the chain affected, thalassemia is of two types. Students, हमारी alpha chain effect हो रही है या beta chain effect हो रही है, इसके base पे हमारा जो thalassemia है वो दो types के होते हैं,
alpha thalassemia and the beta thalassemia. So let us read about the alpha thalassemia first. Here, production of alpha globin chain is affected. It is controlled by two closely linked genes, that is HBA1 and HBA2, on chromosome 16 of each parent. मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स की क्रोमोसोम 16 है हर पेरेंट का क्रोमोसोम 16 जो है बेसिकली उसके ऊपर ये HBA1 एंड HBA2 जीन्स हैं ये हमारा क्रोमोसोम 16 है HBA1 यहाँ पे प्रेजेंट है उसके साथ ही HBA2 प्रेजेंट है म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और द मोर ऑफ फोर जीन कॉजेज द डिसीज सपोज करो कि ये वाला जीन है जो ये म्यूटेट हो गया या फिर ये डिलीट हो गया दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो वो क्या कर देगी थैलेसीमिया कर देगी थैलेसीमिया का अगर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम चीज प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगा वो पर्सन होगा इफेक्टेड द मोर जीन्स इफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन है वो फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे हेमोग्लोबिन बन ही नहीं पाएंगे मैंने आपको बताया थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसीज सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसीज सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो जो बेसिकली आरबीसीज होते हैं वो खराब बनते हैं जिसकी वजह से डिसीज होता है लेकिन थैलेसीमिया के केस के अंदर क्या होता है जो भी आरबीसीज बन रहे हैं वो बन ही नहीं रहे हैं बन ही बहुत कम रहे हैं इसलिए एनीमिया हो रहा है beta thalassemia students here the production of beta globin chain is affected beta globin chain kahan pe present hoti hai chromosome 11 ke upar beta globin chain ke liye do chromosomes responsible hain alpha globin chain ke liye char chromosomes char genes jo hai basically wo responsible hain it is controlled by single gene hbb on chromosome 11 of each parent mutation of one or both gene causes the disease स्टूडेंट्स देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा चेन तो आपने आंसर लिखना है फोर कौन कौन से फोर HBA1 HBA2 2 for HBA1 and 2 for HBA2 ठीक है located on and how many genes responsible beta chain You have to write the answer 2 on chromosome 11 ये फिर 1 जीन 1 है अलील क्या है 4 है यहां पे मैंने कट करके क्या लिख दिया अलील लिख दिया है आप देख लेना इसको मैंने अलील लिख दिया है सो बेसिकली दिस इज द केस नेक्स्ट आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अब हमने पढ़ लिया है सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में जो रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टूडेंट्स दीज आर द क्रोमोसोम्स हम में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है 46 से ज्यादा होंगे तो भी बीमारी है 46 से कम होंगे तो भी बीमारी है 46 की लेंथ की प्रॉब्लम होगी तो भी बीमारी है लेंथ बड़ी है तो भी बीमारी है छोटी है तो भी बीमारी है So, chromosomal disorders are the disorders caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Abnormal arrangement of one or more chromosomes. Chromosomal disorders के अंदर aneuploidy आ सकती है या polyploidy आ सकती है ठीक है Aneuploidy का मतलब क्या है students? 46 प्लस या माइनस एक्स पॉलीप्लाइडी मतलब
एक्स इंटू 46. तो ये आपको पता चल गया एक्स इज अ नंबर. इट कैन बी वन, इट कैन बी टू, इट कैन बी थ्री, इट कैन बी एनी नंबर, बट बेसिकली वन और टू वाले ही रिपोर्टेड है, माइनस वन एंड माइनस प्लस वन, सॉरी. हाँ जी, पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या हो जाता है, हमारा नंबर जो क्रोमोसोम है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है. दिस इज द पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी, स्टूडेंट्स व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी इट इज द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन. सेल डिविजन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमैटिड्स या तो सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं या पूरा का पूरा जो सेल है वो ही सेग्रीगेट नहीं कर पाता है. दिस कॉज द एन्यूप्लॉइडी. स्टूडेंट्स नॉर्मल प्लॉइडी के अंदर हमारा जो हर एक क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम को अलग होना पड़ता है. अगर हर एक क्रोमोसोम अलग नहीं हो रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा. एन्यूप्लॉइडी के अंदर नल्लीजोमी, नल्लीजोमी मतलब पूरा एक क्रोमोसोम का पेयर है वही एब्सेंट है. मोनोजोमी मतलब एक पेयर में से एक क्रोमोसोम एब्सेंट है. ट्राइजोमी का मतलब एक क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है. टेट्राजोमी का मतलब दो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है. स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नल्लीजोमी, व्हाट इज मोनोजोमी, व्हाट इज ट्राइजोमी, व्हाट इज टेट्राजोमी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Polyploidy, it is an increase in a whole set of chromosomes due to failure of cytokinesis after telophase stage of cell division. This disorder is very rare in human but seen in plants. Polyploidy जो है human beings के अंदर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन plants के अंदर commonly देखने को मिलती है. इसके अंदर क्या है, हमारा या तो होल सेट है वो डबल हो रहा है या होल सेट क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है. बट दिस डिसऑर्डर इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. ये क्या है, ये है ड्यू टू मियोटिक एरर. मियोटिक एरर मतलब कि जो बेसिकली कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, न्यूक्लियर डिविजन जो है वो हो चुकी है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है. साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन ही नहीं हुई है और न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर गए, वो बढ़ गए नंबर में, नॉर्मल से ज्यादा डबल या ट्रिपल हो गए. इसी डिसीज को क्या बोला जाता है, पॉलीप्लॉइडी. स्टूडेंट्स दिस इज मोनोगोलिज्म एंड डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमनली इंडिया में, पंजाब में भी देखने को मिलता है. इट इज प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर क्या हो जाता है, तीन क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. होना क्या चाहिए कि हर हमारे पेयर्स हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में. फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर एंड अल्टीमेटली द लास्ट पेयर, दैट इज 23rd पेयर. 23rd पेयर कंसिस्ट ऑफ द एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम. बट 21st क्रोमोसोम पे भी दो क्रोमोसोम्स होते हैं और डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या है, तीन क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी को क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है. तो इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 21 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. तो डाउन सिंड्रोम के स्टूडेंट्स आपको ये याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट स्ट्रेचर विथ स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, फरॉड बिग टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ.
इस बच्चे का मुंह बंद ही नहीं होता है, पार्शली ओपन ही रहता है हर टाइम। इसकी टंग क्या है, फरोड बिग है, बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें फरोज प्रेजेंट है। आप देख सकते हो इसका जो हेड है, बेसिकली दैट इज शॉर्ट स्ट्रेचर्ड एंड राउंड हेड है, एंड फ्लैट फेस है उसका, काफी बड़ा चौड़ा फेस है, बेसिकली ब्रेथ में काफी ज्यादा है। सो ये सारे फीचर्स आपको इमेज में देखने को मिल रहे हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर और भी क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, बेसिकली शॉर्ट ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम साइमियन क्रीज। यहाँ पे जो क्रीजेस हैं वो बहुत ज्यादा साइमियन, मतलब कि कर्व्ड जो है, ये आप देख सकते हो फोटो के अंदर आपको डिफरेंस दिखाया गया है। मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स के ऊपर हमारे जो है बेसिकली दो या तीन लूप्स नॉर्मल होते हैं, बट इस डाउन सिंड्रोम वाले ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा लूप्स हैं। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, इसको हार्ट डिसीज भी होती है एंड उसके जो मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन भी रहती है। ग्रोथ जो है बेबी की वो रिटार्डेड होती है। यहाँ पे हर एक इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही ज्यादा डीपली समझाया गया है। तो डायग्राम से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, बाकी थियोरेटिकल तो पूछा जा ही सकता है। दैट व्हाट आर द व्हाट इज द फॉलोइंग कैरेक्टर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द डाउन सिंड्रोम पेशेंट, या फिर व्हाट आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ने होंगे ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। ये बेसिकली होते तो मेल्स हैं लेकिन लगते कैसे हैं, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज 44A प्लस XXY। ऑटोसोम्स हैं वो नॉर्मल होते हैं लेकिन XXY उसमें XX भी प्रेजेंट है और Y क्रोमोसोम है जो वो भी प्रेजेंट है। इस पे बॉडी हेयर बहुत ज्यादा लेस होते हैं। देखो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और मेल लाइक होता, ये मेल है बट इसमें सारे फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को सुपर मेल भी बोला जाता है, सुपर मेल। एट लास्ट बेसिकली देखो ये ओवरऑल क्या होता है, मैस्कुलिन होता है बट फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। मेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को क्या बोला जाता है, गायनेकोमास्टिया बोला जाता है। ये मेल क्या होता है, स्टेराइल होता है क्योंकि इसका पेनिस जो होता है, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अच्छा प्रॉपरली डेवलप होता ही नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है मेंटली भी थोड़ा रिटार्डेड होता है, इसका दिमाग इतना तेज काम नहीं करता है। नेक्स्ट इज द टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स जो बेसिकली क्लाइनफेल्टर्स के अंदर क्या था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर कि जो मेल है वो उसके पास एक्स दो है, लेकिन ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली जो फीमेल है उसके पास एक ही एक्स है, तो ये फीमेल से बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डिफरेंट होती है एंड मेंटली रिटार्डेड भी होती है। एंड एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, मतलब सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं टोटल में। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि इसकी जो बॉडी है फिजिकली वो डिवेल्प नहीं कर पाती है एंड इसका स्ट्रेचर जो है वो काफी शॉर्ट रह जाता है, वेब्ड नेक है, नॉर्मल नेक नहीं होती है। अब डिफरेंस ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर देख ही सकते हो कि एक नॉर्मल फीमेल और एक टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में क्या डिफरेंसेस हैं। स्टेराइल होती है, ओवरीज काम ही नहीं करती हैं। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ड्वार्फ एंड मेंटली रिटार्डेड। So that was all for today's class, students. I hope you got it. I hope you liked it. सारा chapter हमारा हो चुका है
एंड कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.